हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 5। और आज का दिन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। आज का अपना जो डेस्टिनेशन है वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन है, मतलब जहाँ हमारा टारगेट था जाने का, वहाँ हम लोग को जाना है। पैक पैक हो गया है, हम लोग आज सुबह 4 बजे उठे हैं, 4:30 बजे उठे हैं इनफैक्ट। अभी टाइम 6 बज रहा है और प्लान ये है कि बस हम नीचे जाएंगे, अपना बैग वैग रखेंगे नीचे आंटी के पास, चाय मिलेगी हम लोग को, चाय पी के फिर हमें यहाँ से 70 किलोमीटर आगे जाना है। वहाँ पे 15-20 मिनट, आधे घंटे जब तक रुक पाएँ, क्योंकि वो उसकी हाइट 18,000 फीट है, तो ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी है, माइनस टेम्परेचर है, -10 अभी टेम्परेचर बता रहा है, और 1-1.5 घंटे 2 घंटे के बाद वहाँ पे टेम्परेचर -7-8 के अराउंड रहेगा। माइनस टेम्परेचर है भाई, आज मज़ा आने वाला है एकदम। अंदर इसलिए पहन वहन रखा है जो है कि ऐसे बिल्कुल रेस्ट नहीं ले लेगा। आपको यहाँ से कल रात में मैं व्यू नहीं दिखावाया था अपने रूम का, बालकनी, ये अपनी विंडो से बता दो ना उनको भी क्या है, व्यू आप क्यों हम ऐसे देखें नहीं कर पा मजा। तो अब सीधे नीचे मिलते हैं चाय के साथ। डाइनिंग एरिया में हम लोग आ गए हैं, अभी अपनी जो है चाय प्रिपेयर हो रही है, आंटी जो है चाय कर रही है आंटी के साथ। एक अपना वीडियो बहुत रात में, बहुत बढ़िया खाना मिला हम लोग को, बहुत अच्छा लगा। ये देख रहे हैं आप, अंदर हाँ अभी चाय पियेंगे, पहले जो है जब तक तो अपना चाय से चल रही है तो पेट्रोल डाल लिया जाए। हाँ ये देखो भाई साहब, भाई अब अपनी गाड़ी में डलेगा पेट्रोल। वाले आप पेट्रोल डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब तो पेट्रोल पंप कोई है ही नहीं अपने पास, मतलब जहाँ से हम लोग निकले तो वहाँ तो है ही नहीं पेट्रोल। मंगन जहाँ हमने परसों स्टे लिया था वहाँ पे एकदम, उसके बाद से पेट्रोल पंप नहीं मिला है, अब ऐसे ही डाल डाल के चला जा रहा है। आराम से भैया, आराम से भाई, पेट्रोल लिमिटेड है तो ऐसे मत करो। टैंक अपना भाई निकल गया है, अब निकलना है अपने को, चाय पीना है, पहले तो चाय पीना है। चाय बिस्किट अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है, अब बढ़िया सा दूध पीने के बाद गाड़ी अपनी सेट हो गई। आज लगेज नहीं है क्योंकि अभी 70 किलोमीटर जाके फिर वापस आना है। अभी मैंने 2 बार ऊपर अपने रूम जाके नीचे आया, मेरी सांस फट फूल गया है, अजीब हो जाता है। पहला चेक पोस्ट लाचीन का हमारा चेक हो गया, थप्पे पे थप्पा लग रहा है भाई अपने परमिट पे। सारी मेहनत आज वाली राइड के लिए थी। ये पूरी स्ट्रीट जो आप देख रहे हैं ये मेन लाचीन है, और बढ़िया होटल्स, होम स्टेज, पहाड़ देख रहे हैं। मेरा तो कैमरा ऑफ करने का मन ही नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ कि हर एक एक चीज आपको दिखाऊं। देखें भाई देखें कैसा लग रहा है, आप बताएं और कमेंट बॉक्स भर डालें, भर डालो भाई भर डालो। 40-50 किलोमीटर के बाद एकदम आपको बताऊं सीनरी चेंज होने वाली है। वीडियोस में आप तो देखती होंगी लद्दाख, उसी टाइप का समझ लीजिए कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ रुके रहिए। पता नहीं भाई मैंने बताया कि नहीं बताया, अभी मैं ही सोच रहा हूँ कि आपको बता दूँ कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। भाई हम लोग जा रहे हैं गुरु डोंगमाल लेक, इधर से झरना उधर से झरना सब इस में मिल रहा है, इतना क्लियर पानी दिख रहा है यार, ये है ब्यूटी पहाड़ों की। पिछले 2-3 मिनट से हम लोग सिर्फ ऐसी चढ़ाई चढ़ रहे, लूप ऊपर जा रहे हैं और ऐसे ऐसे जा रहे हैं एकदम, समझ लो मतलब सीधे ऊपर हाइट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। 18,000 फिट पे जाना है भाई, 18,000, माय गॉड, आज तो तीसरे गियर की बारी नहीं आ रही है, पहला दूसरा पे चढ़े जा रहे हैं। ओह मुझे लगा आगे रोड ही नहीं है क्या, रास्ता बंद है क्या एकदम। सिक्किम से ना मेरा एक अटैचमेंट क्या है, मैंने लाइफ का पहला पहाड़ सिक्किम में देखा था, मैंने लाइफ का पहला झरना सिक्किम में देखा था, और एक सबसे बड़ी बात बताऊं यार, मैंने लाइफ का पहला स्नोफॉल कल सिक्किम में देखा। मेरे लिए सिक्किम कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। रोड चेक करें आप, ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, ऐसे ऊपर जाना है ऊपर तक। अभी 1 घंटे की राइड अपनी बची है, ये कैफे पे रुक के
थोड़ा सा चाय पानी नाश्ता हुआ। एक बार आपको कैफे अंदर से दिखा दूं मैं, ये चेक करें भाई, बढ़िया। EOR इंजीनियर ऑन रोड, EOR व्लॉग्स जी। और फ्री टाइम में हम राइड कर लेते हैं, नेपाल किया है, लद्दाख किया है, और मुक्तिनाथ गए थे, सब लाभार्थी जी बाइक रोड जी। थैंक यू। अब हम लोग आगे की तरफ निकल रहे हैं सर, लड़ गया, हेलमेट लगा था, सीट ब्रेक बढ़िया सा हुआ है, और इस व्यू के साथ हमारा सीट ब्रेक हुआ है। चलते पढ़ते रहो भाई, पढ़ते रहो यार। एक सीन हो गया यार, पूरी गाड़ी खोलनी पड़ गई हम लोगों को, पूरी की पूरी गाड़ी मतलब खोलना पड़ गया, सीट वीट वगैरह सब चीज, बॉक्स वॉक्स वगैरह देख सकते हो आप लोग। ये बिल्कुल टंकी पे रख के अपना जो है वो मेमोरी कार्ड गोप्रो का चेंज कर रहा है बंदा, इतना अच्छा। अभी देखो जमीन खोद डाली, पानी निकलना बच गया बस खाली उसमें, और उसके बाद जाके मिला मेमोरी कार्ड, यहाँ पे फंसा है भाई। अपना मेमोरी कार्ड जो है ना, उसके बीच में सब जो फंसा हुआ था, अब उसको निकालने के लिए हाथ जा नहीं रहा अपना। अब एक टेक्निक ये है, टूल किट में से निकाला है, अब हम यहाँ बेटे मौज कर दी बेटे, गंदगी च्युइंगम जो है यहाँ चिपकाएंगे, इसको डालेंगे च्युइंगम से चिपका के निकालेंगे। ये देखो पगला है बिल्कुल। अरे भाई गाड़ी का क्या हाल हो, किनारे आओ किनारे आओ किनारे आओ यार, पूरी गाड़ी गोली पड़ गई है। हाँ ठीक है भाई, बहुत बढ़िया कांड हो गया था अभी, और एक साथ फूल रही है हाइट पे, -3 टेम्परेचर में भाई साहब, गाड़ी से नहीं उतरने के चक्कर में, गाड़ी वाड़ी से नहीं उतरूंगा, यहाँ रख दिया था, से जाके अंदर जाके फंस गया, और मुझे तो एकदम ऐसा बुरा सा लग रहा था, और मेरा आगे जाने का मन नहीं हो रहा था कि भाई मैं अब आगे नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेमोरी कार्ड में मेरा 2 दिन का डेटा था। अब हम लोग निकल रहे हैं, सिर्फ वीडियो के चक्कर में रुके थे कि ले मेमोरी कार्ड चेंज कर ले, और यहाँ पे बढ़िया मेहनत हो गई अपनी, एडवेंचर हो रहा है, और अब हाइट का मज़ा आ रहा है, ठंडी का भी मज़ा आ रहा है, हाइट का भी मज़ा आ रहा है, और गाड़ी का भी मज़ा आ रहा है। वाह 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 वाह, हम लोग इस टाइम 15,000 फीट पे पहुँच चुके हैं, अपने को 3,000 फीट के अराउंड और चढ़ना है, 2,500 फीट के, 17,200 उसकी एग्जैक्ट हाइट है, राउंड ऑफ में आदमी बोलता है 18,000। ओ वाह, चेक दिस व्यू। हिमालयन रेंज पूरी आपके अगल बगल, याक देखना है याक, ये सिक्किम की ब्यूटी है। ओ वाह 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 वाह। अब आप ये नोटिस करें कि धीरे धीरे पेड़ खत्म हो रहे हैं, हरियाली खत्म हो रही है, कोल्ड डेजर्ट की तरफ बढ़ते हुए। वीडियो में आप लोग को मजा आ रहा हो तो मुझे बताते रहा करिए, थोड़ा सा मजा आता है मजा। गुरु डोंगा लेक, सैक्रेट लेक भी माना जाता है, BRO स्काई इज द लिमिट ऑफ बॉर्डर्स रोड। ये मुझे कुछ मुक्तिनाथ टाइप का फील हो रहा है, मुस्तांग जैसा होता है, नेपाल में गया था मुस्तांग में, तो आपको सेम व्यू मिलेगा। अब यहाँ से बचा है 10 किलोमीटर गुरुदोंगमा लेक, -10 में हम लोग आ गए हैं, ब्यूटिफुल मजेदार भाई खूबसूरत। मैंने थोड़ी देर के लिए ग्लव्स उतारा था और मेरे हाथ एकदम जम चुके हैं, एकदम बुरी तरह से एक्साइटेड हूँ मैं भाई, अपना आगे भागा हुआ है तो अभी बहुत तेज में निकला, अभी थोड़ी देर हुआ, गाड़ी की पावर और अब समझ आ रही है कि धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि सिर्फ पहाड़ चढ़ रहा है, तब भी मैं इस टाइम 3rd गियर पे गाड़ी को चला रहा हूँ। ऑसम एक्सपीरियंस, सामने चेक करें, सीधी रोड एकदम बढ़िया। अब यहाँ से शुरू हो रहा है तगड़ा वाला ऑफ रोड होगा भाई, रास्ता अपने को ढूंढते हुए जाना है। गाड़ी सिर्फ टायर का निशान देखते हुए पहुंचना है। ओह कहाँ, गाड़ी तो अब चढ़ नहीं रही है, गाड़ी अब चढ़ नहीं रही। ओ ओ भाई
गलत चला जा रहा है, इधर चलना है। अब ये एकदम एक्सट्रीम है अपनी इस राइड का। जो ये रूट है ये अभी तक का सबसे एक्सट्रीम रूट है। वो ऊपर जाना है, गाड़ियों के ऐसे निशान तो दिख रहे हैं, वो ऊपर जा रही है गाड़ियां, उसी डायरेक्शन में जाना है। वो वेट कर रहा है तो सेफ। अपना MT70 राइडर वो खड़ा हुआ है, UP70 बाबा, UP70 से MT70। क्या हुआ गाड़ी में, क्या दिक्कत आई, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, गाड़ी नहीं चढ़ी? ओ शिट, कोई ट्राई करके देखो भाई, इधर से। थैंक यू। अच्छा इधर स्लोप है, इधर से चलेंगे, स्लोप है थोड़ा, इधर से। इधर दिक्कत आ रही है चढ़ने में भाई की गाड़ी को, इधर से हम लोग को चलना है। हाँ, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं हम। हाँ, उधर से इधर ही घूम के आ रहे हैं, इधर ही जाना है। गाड़ी ने दे दिया धोखा और बंद नहीं करना चाहिए था गाड़ी यार, बहुत गलत काम हो गया है। धीरे धीरे चढ़ाया जाए, चलो चढ़ी 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 चढ़ी। आज इसका टेस्ट भी हो जाएगा कि ये लद्दाख में कैसा परफॉर्म करेगी। मेरी गाड़ी का आज टेस्टिंग टाइम है और मेरा भी टेस्टिंग टाइम है ये। ओ भाई लग रहा है हम लोग लेक के आसपास तो कहीं आए हैं। रुक गई गाड़ी। हाँ, हम आगे आगे चले। तौसीफ की गाड़ी ने फिर से चढ़ने से मना कर दिया, कह रही है मैं नहीं चढ़ूंगा, कह रही मैं नहीं जाऊंगी। क्यों मुझे लेके जा रहे हो? तौसीफ भी बहुत जिद्दी इंसान है, कह रहा है मैं लेके जाऊंगा तुम्हें, कहीं से भी लेके जाऊं तुम्हें चढ़ाऊंगा। चढ़ोगी बेटा तुम, चढ़ेगी भाई, चढ़ेगी। उधर से चढ़ा रहा भाई अपना, मैं इधर से एक बार खड़ी चढ़ाई ट्राई करूंगा थोड़ा सा, एकदम देखते हैं क्या परफॉर्मेंस देती है ये मीटियोर। सिर्फ खड़ी चढ़ाई चढ़ना है मुझे। ओ भाई वाह, हम लोग लेक के पास पहुंच गए। ये गाड़ियां लगी हुई हैं, मैं तो हम डोंगवा गुरु डोंगवा लेक पहुंच गए हैं 18,000 फीट पे। वाह भाई वाह वाह, लवली लवली, ऑसम। भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, शॉट लेना है, बैटरी दे रहा है। बैटरी साथ नहीं दे रही है ना, ये है भाई लेक कैसा, एकदम आप देखो एकदम डेजर्ट टाइप का एरिया, बीच में लेक, गुरु डोंगवा लेक 17,800 फीट पे अभी हम लोग खड़े हुए हैं। ये अपनी गाड़ी लगी है और आपको बताऊं हम लोग प्रयागराज से 123 फीट फ्रॉम सी लेवल से राइड करते हुए अभी आ रहे हैं 17,800 फीट पे। सामने गुरु डोंगवा लेक है और अपनी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है भाई भाई। जब तक बॉडी थोड़ा साथ देगी तब तक इधर अपन रुकेंगे और सोच रहे नीचे इधर की देखना है कि नहीं देखना है, क्योंकि बहुत चढ़ेगा। लवली, आप लोग को लेक कैसा लगा प्लीज बताएं और कमेंट करें प्लीज। हाँ भाई,
गर्म पानी दिया है उसने। इधर टूरिस्ट भाई किधर से आ रहा हूँ। मतलब आज फिफ्थ डे है, लग रहा था नहीं है पानी छोड़ दिया। ऐसा क्यों? ऐसे जो जा रहा है वापस पूरा रास्ता बहुत खराब है। मुझे मतलब गाड़ी ने बढ़िया साथ दिया है, मौसम बहुत बढ़िया, एकदम बर्फीली हवा जिसको बोलते हैं बर्फीली हवा वो अपने मुंह पे आ रही है एकदम। मौसम बहुत सही है इधर, आधा एक घंटा बाद खराब हो जाए। आप तो आनी है बस, आप क्योंकि एक घंटे के ऊपर हम लोग रुक चुके हैं, ऑक्सीजन लेवल अपना कम होता जा रहा है बॉडी का और हमें कैन नहीं यूज़ करना है। तो एक बार आपको ये लास्ट व्यू चेक करा दिया मैंने पूरा भाई, लेक चेक करें भाई, निकल गया अपना वो। अब बढ़ते हैं नीचे की तरफ और अपने इस लेक को चुमा। ओहो